नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं OMG बिहारी झारखंड। कोरोना अपडेट में झारखंड के कोडरमा में 22 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हजारीबाग और हिंदपीढ़ी में भी एक एक नए मरीज। कोडरमा जिला में 22 साल के युवक में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। मूल रूप से गिरिडीह का रहने वाला ये युवक मुंबई में सिलाई का काम करता था। पिछले दिनों वह अपने गाँव आया था। बीमार पड़ने पर उसे अस्पताल ले जाया गया। कोरोना की जाँच के लिए उसके सैंपल को रिम्स भेजा गया था। 4 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आई है। इनमें 5 के सैंपल रिम्स भेजे गए थे, 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना का पॉजिटिव केस मिलने से जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में फिलहाल कोरोना के 9 संदिग्ध मरीज हैं। ये युवक गिरिडीह के राजधनवर का है। युवक 23 मार्च को कुर्ला हटिया एक्सप्रेस से अपने 3 साथियों के साथ मुंबई से गांव लौटा था। कोडरमा स्टेशन पर उतरने के बाद बस सीधे अपने गांव चला गया। जाहिर है ये गांव में घूमता रहा होगा, उनके साथी भी घूमते रहे होंगे, तो अब हड़कंप मचना ही है। मुंबई में बीमार पड़ चुका ये युवक लौटने के बाद बरमसिया में एक झोला छाप डॉक्टर के यहाँ इलाज कराया। वहाँ भी नहीं ठीक होने से वह मरकच्चों के बंधन चौक पर गया प्राइवेट डॉक्टर के क्लिनिक में। डॉक्टर ने 3 दिन की दवा दी। दवा खाने के बाद आराम नहीं हुआ। 3 अप्रैल को मरकच्चो के सरकारी अस्पताल पहुंचा, उसे सदर अस्पताल भेज दिया गया। 6 अप्रैल को उसका सैंपल जांच के लिए रिम्स गया। युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसके परिवार के 9 सदस्यों को गिरिडीह जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन कर दिया। युवक का इलाज करने वाले डॉक्टर को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। 184 सैंपल की रिपोर्ट आई है, उसमें 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। ये 1 हजारीबाग, 1 कोडरमा और 1 हिंदपीढ़ी के हैं। 181 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। हिंदपीढ़ी के 8वें मामले का भी है तबलीगी कनेक्शन। हिंदपीढ़ी के 52 साल का एक पुरुष कोरोना से संक्रमित पाया गया। गोमिया के सारम के मृत व्यक्ति का इलाज करने वाले रामगढ़ के 2 डॉक्टरों को भी होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। स्थिति की गंभीरता को समझें, अपने घरों में रहें, खाने पीने का उपाय करके घर के अंदर रहें। बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। बाहर निकलेंगे तो बीमारी आने की आशंका रहेगी। अनावश्यक नहीं निकलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लोगों से दूर रहिए।